आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर स्टॉक मार्केट की शुरुआत कब हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई। आप लोग जो भी इन्वेस्टिंग करते हैं मार्केट में या फिर जो भी आप लोग ट्रेडर्स भी हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर आप जिस मार्केट में, जिस स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगा रहे हैं, आखिर वो मार्केट का कंसेप्ट आया कहाँ से? किसने पहली बार डिस्कवर किया कि स्टॉक मार्केट जो है वो होना चाहिए? किसने पहली बार स्टॉक एक्सचेंज, IPO जैसी टर्म्स डिस्कवर करी? तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। तो बात करते हैं 1602 की। बात उस वक्त की है जबकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट होने वाली थी। उनको स्टार्ट होने के लिए पैसों की आवश्यकता थी। बेसिकली कुछ व्यापारियों का संगठन था एक ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ पे हम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहे, हम उस ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कतई बात नहीं कर रहे हैं जो कि ब्रिटिश द्वारा स्थापित की गई थी और जिन लोगों ने हमारे इंडिया पे काफ़ी टाइम तक रूल किया। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। व्यापारियों का संगठन ही था जो कि अपने जो शिप्स हैं उन्हें अलग अलग कंट्रीज़ में भेजा करते थे। ऐसा वो क्यों किया करते थे? क्योंकि जो काफ़ी सारे जो व्यापारी है वो अपना जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते थे अपने गुड्स से संबंधित, तो क्या होता था कि जब भी वो माल लाद कर और वो उनकी जो शिप्स थी वो दूसरे कंट्रीज़ में जाया करती थी, तो सेफ्टी मेजर्स वगैरह उस टाइम पे इतने प्रॉपर नहीं हुआ करते थे और उस वजह से उनकी जो शिप्स है वो काफ़ी सारी शिप्स जो है वो डूब जाया करती थी। ऐसे में जो उनका माल है वो सारा डूब के बेकार हो जाता था और उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ करता था। तो अब उन्होंने सोचा कि हमें माल तो जो है वो समुद्र के मार्ग से ही दूसरी कंट्री तक पहुंचाना है, तो अब हम कैसे करें ये? तो ऐसे में वो लोग एक आइडिया के साथ आए। उन्होंने कहा कि देखो, हम अलग अलग जो हमारा माल है वो तो हम एक साथ एक ही शिप में डालते हैं, और अगर हम चाहें कि हमारा जो माल है उसे हम अलग अलग शिप में डालें तो इसके लिए हमारे बहुत अच्छा खासा पैसा लगेगा। क्योंकि सोचो, आप एक ही व्यापारी को न जाने कितनी सारी शिप्स करनी पड़ेंगी, और अगर वो बहुत सारी शिप्स कर भी ले तो उसके पास इतना माल भी तो होना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा इस शिप में डाले, थोड़ा सा उस में डाले, तो भी जो शिप्स है वो उनकी कैपेसिटी के अनुसार वो तो भर ही नहीं पाएंगे, उनमें थोड़ा बहुत जो स्पेस है वो खाली रह जाएगा। तो ऐसा करना उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिबल नहीं लगा। तो उन्होंने सोचा कि हम क्या करें, अगर हम अपना सारा माल एक ही शिप में लाद देते हैं तो उससे हमारी, अगर वो एक शिप जो है वो डूब जाती है तो हमारा तो जो पूरा माल है वही डूब जाता है, हमें तो भारी नुकसान होता है। और अगर हम उसे अलग अलग शिप्स में डालना चाहें तो इसके लिए हमारे को काफ़ी ज़्यादा पैसा लगने वाला है और फिर भी जो शिप्स हैं वो तो खाली ही रह जाएंगी, तो फिर आखिर हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे में उन्हें एक आइडिया मिला। उन्होंने सोचा कि अगर सपोज हम 5 व्यापारी हैं और अगर हर एक व्यापारी अपनी एक एक शिप है उसमें अपना माल लाद रहा था अलग अलग कंट्रीज़ में पहुँचाने के लिए, तो अब हम 5 व्यापारी मिलके 5 शिप्स जो हैं वो रख लेते हैं। उससे क्या होगा कि अब हम हमारा जो माल है, जो कि हमारा पूरा माल एक ही शिप में जाता था, अब हम उस माल को 5 हिस्सों में डिवाइड करके अलग अलग शिप्स में लोड कर देंगे, और इसी तरीके से हम 5ों व्यापारियों का जो माल है वो 5 अलग अलग शिप्स में हो जाएगा। हमें एक साथ 5 शिप्स के पैसे भी नहीं लगेंगे, क्योंकि वो जो 5 शिप्स है वो 5 व्यापारियों के बीच में बट जाया करेंगी, और इससे क्या होगा, हमारा जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाया करेगा। कैसे कम होगा? सिंपल सी बात है कि अब अगर एक शिप डूब भी जाती है तो बाकी की जो 4 शिप्स है वो तो सही सलामत रहेंगी, और हमारा जो एक हिस्सा है वही डूबेगा, बाकी के जो 4 हिस्से हैं वो बच जाएंगे। और इस तरीके से भले कम माल ही सही, लेकिन हमारा जो माल है वो सारा एक साथ नहीं डूब के, और कम कम माल जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ में जाके बिक के आ जाएगा और हमें एक साथ बहुत भारी लॉस नहीं होगा। तो ये उनका काफ़ी अच्छा आइडिया था। उन्होंने इसी तरीके से, इस आइडिया से वो एक जो संगठन है वो स्टार्ट किया, जिससे कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी नाम दिया। ये बात मैं कर रही हूँ 1602 की, और उसके बाद जब कंपनी फॉर्म हुई तो लिहाजा सी बात है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उनको कंपनी में। कंपनी के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी जेब से लगाते। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम पब्लिक को भी इस कंपनी में पार्टनरशिप दी जाए, हम उनसे बोलें कि देखो, हमारा जो भी मुनाफा होगा उस माल को बेच के, तो वो मुनाफा हम आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, हमारा जो भी प्रॉफिट है वो हम आपको उसका कुछ हिस्सा देंगे, लेकिन बदले में हमें आपसे थोड़े थोड़े पैसे चाहिए। इससे क्या होता है, इससे एकदम से पब्लिक पे भी बहुत लोड नहीं आता और ना ही उन लोगों पे इतना ज़्यादा लोड आता। तो ये जो कंसेप्ट था यहीं से स्टार्ट हुआ हमारा जो स्टॉक मार्केट का कंसेप्ट है वो। स्टॉक मार्केट पहली बार रजिस्टर हुआ एम्स्टर्डम में, और जैसे कि हम इस एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते थे,
अब तो खैर उसका नाम जो है वो चेंज हो चुका है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ हिस्ट्री बताई है जो कि आप लोगों में से काफ़ी लोगों को नहीं पता होगी, मगर पता होनी चाहिए कि आप जिस मार्केट में निवेश कर रहे हैं आखिर उसका ओरिजिन कहाँ से आया है। तो उसका ओरिजिन जो है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी से आया है, जिन लोगों ने पहली बार 1602 में इसकी स्थापना करी और जो पहला आपका स्टॉक एक्सचेंज है वो एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज रहा था। तो अब बात करते हैं कि आखिर इंडिया में इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहला जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एम्स्टर्डम में आया, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो कंसेप्ट है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया और उसके देखा देखी करते करते लंदन स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ये सब अलग अलग जो कंट्रीज थी उन्होंने भी अपना अपना स्टॉक एक्सचेंज निकाला। तो ऐसे में हमारा भारत भी आखिर क्यों पीछे रहता। तो हमारे इंडिया में जो फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश हुआ उसे BSE बोला जाता है, मतलब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1875 में हुई। उसे दलाल स्ट्रीट भी बोलते हैं और बेसिकली आपने अगर हर्षद मेहता वाली जो वेब सीरीज है वो देखी होगी तो आपने देखा होगा कि उस टाइम ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जिस तरीके से आज हुआ करता है जो शेयर्स की जो बिक्री वो सब नहीं होती थी। उस वक्त क्या होता था, उस वक्त कोई डीमैट अकाउंट वगैरह इन सब का कॉन्सेप्ट नहीं होता था। उस वक्त जो भी होता था वो ऐसा होता था कि एक प्रीमिसिस में सारे जो दलाल लोग सब मिलके और बाय और सेल वो सब करा करते थे। आपने अगर वो वेब सीरीज देखी होगी तो आपको अच्छे से याद होगा कि किस तरीके से पूरे मार्केट में एकदम चिल्ला चुट हुआ करती थी और जो ऑर्डर से वो बुक करे जाते थे। तो एक वो ज़माना था, उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ साथ चीज़ें जो है वो पेपर फॉर्म से उठ के एकदम डीमैट वाले फॉर्म में आती गई और आज आप घर बैठे भी इजीली अपने जो डीमैट है वहाँ से आप शेयर्स को बेच भी सकते हो और ले भी सकते हो। तो ये हो गई BSE की बात। इसके बाद जो NSE जो कि काफ़ी पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है उसकी स्थापना इंडिया में 1992 में करी गई। तो ये काफ़ी जो दो स्टॉक एक्सचेंज हमारे भारत के बहुत ज़्यादा लोकप्रिय स्टॉक एक्सचेंज रहे हैं। अब अगर बात करें कि इसमें प्राइस जो है वो किस तरीके से डिसाइड होती है किसी भी शेयर की, तो उसका सिंपल सा कंसेप्ट है डिमांड और सप्लाई का। जब भी डिमांड और सप्लाई की बात आती है तो आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि आखिर डिमांड एंड सप्लाई होता क्या है। डिमांड एंड सप्लाई मतलब कि आपने मानसून का एग्जाम्पल ले लो, आपने देखा होगा कि जब भी भारी वर्षा होती है, जो भारी बरसात होती है, काफ़ी सारी जो फसलें होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। फसलें बर्बाद होने के चक्कर में जो मार्केट में उनका दाम है, जो बची खुची फसल का, वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। अभी जैसे गर्मी की बात ले लो, गर्मी में आपने देखा कि जो डिमांड थी नींबूओं की काफ़ी ज़्यादा थी, जो लेमन्स की डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा हाई पे थी, क्योंकि उसी वक्त रमदान वगैरह का सीज़न भी था। तो जो बिक्री हो रही थी ना वो मतलब लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, लेकिन मार्केट में सप्लाई जो थी वो तो कम ही थी। सप्लाई जो है वो ऐसे चीज़ें और डिमांड अगर वो ज़्यादा है तो ऐसे में क्या होता है कि जो भाव होता है उस चीज़ का वो बढ़ जाता है। यही सेम चीज़ हर एक प्रोडक्ट पे अप्लाई होती है, भले ही वो मार्केट में शेयर क्यों ना हो। तो जो शेयर्स होते हैं उनके दाम भी इसी तरीके से मार्केट में डिसाइड हुआ करते हैं। तो ये हमने जाना कि किस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज है वो उसकी इंडिया में शुरुआत हुई, किस तरीके से स्टॉक मार्केट जो है वो वर्क करता है, ये सब बेसिक डिटेल्स हमने जानी। अगर आपको ये सब चीज़ें यूजफुल लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। हेल्थ की बात आती है तब डॉक्टर की याद आती है, मगर जब वेल्थ की बात आती है तब किसकी याद आती है। फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो या आप एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो जिसकी की अर्निंग पोटेंशियल हो विथ जीरो इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक CA हो, स्टॉक ब्रोकर हो, LIC एजेंट हो, बैंकर हो या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न करना चाहते हो, तो आज ही बनो वेल्थ के वेल्थ पार्टनर, जहां आपको मिलेंगे 150 प्लस फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ट्रेनिंग्स, टाइमली पे आउट एंड फुल सपोर्ट। तो सोचो मत, बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहाँ दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो। और हाँ, एक बात और, जैसे आपकी फर्स्ट सेल कंप्लीट होगी वैसे आपको मिलेगा 1000 रुपीज का बोनस। तो थिंक वेल्दी, गेट वेल्दी। थैंक यू।